वालेकुम, नमस्ते फ्रेंड, आप देख रहे हैं अनमोल टेलर। आज मैं आपको बगैर तीरे वाली कटिंग का तरीकेकार बताने जा रहा हूं, जो आसानी के साथ समझाऊंगा, और इसमें कुछ खास बातें होने वाली है तो वो भी आपको मैं समझाऊंगा फ्रेंड। तो इसकी हम लेंथ चेक करवा लेते हैं आपको। 35 की इसकी लंबाई है, 18.5 की आस्तीन है जो मैं तैयार काटूँगा कफ के अलावा, और 18 का तीरा है फ्रेंड। 38 की चेस्ट होने वाली है, इसकी कमर 22 की है और घेरा 24 का है फ्रेंड। तो इसमें खास बात ये होने वाली है, कुछ ये बंदा कुछ ऐसी इसका जो इसकी बॉडी का लिंग रेंज है तो थोड़ा मुख्तलिफ है हम बंदों से। तो मैं आपको उस तरीके से कटिंग समझाऊंगा मैं आज आपको, तो आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट किया हुआ है मैंने फ्रेंड, तो ये दो सूट मैं एक साथ काटूंगा फ्रेंड। तो स्ट्रेट किया हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने ली हुई है बगैर तीरे की, तो 35 की इसकी लेंथ है, तो मैं 5 इंच ऐड करके इसको मैंने 40 पे काट रहा हूँ फ्रेंड। ये चेक कर लो, 40 पे काट रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। स्टेट हो गया फ्रेंड। अभी हम आपको इसकी जो शेरवानी लगेगी, बैन पट्टी लगेगी, तो उसका तरीकेकार समझा लेते हैं। तो 17 की इसकी है, तो मैं ये निशान लगाने वाला हूँ। ये 2.25 पे आ रहा है फ्रेंड, 17 पे 2.25 पे आ रहा है, ये चेक कर लो। और यहाँ से मैं 17 पे रखता हूँ, तो ये तकरीबन आ रहा है हमारा 3 पे आ रहा है फ्रेंड, 3 से 170 कम आ रहा है फ्रेंड 17 पे, ये चेक कर लो। तो वही मैं रखने वाला हूँ, तो इसकी बैन बनेगी, ये इसकी डाउनिंग है फ्रेंड। और यहाँ से जो है हम आला लेंगे, जो 2.25 पे लेंगे फ्रेंड, तो आपको मैं निशान लगा के चेक करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच का लगा लेंगे निशान इस तरीके से, ये बगैर तीरे की कटिंग करने वाला हूँ फ्रेंड। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो इस तरीके से मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ फ्रेंड। इसमें मैं बॉल पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके देखने के लिए चाक भी इस्तेमाल करूँगा। मैं स्ट्रेट किया हुआ फ्रेंड, अभी मैं फ्रेंड यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाऊंगा इस तरीके से। और ये निशान जो डाउनिंग वाला आले का डाउनिंग करेंगे हम यहाँ से, वो 3 पे निशान लगाऊंगा मैं, 17 की इसकी बहन है फ्रेंड। और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हम गोलाई देंगे फ्रेंड, तो यहाँ से भी एक लकी लगा सीधी, तो यहाँ से हम देने तो इसको ज़्यादा गोलाई देने वाले हैं, तो हमारी इसकी लुक अच्छी आ जाएगी फ्रेंड। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और इसका जो तीरा है 18 का है फ्रेंड, तो मैं 9 पे निशान लगाऊंगा, सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ूंगा, बल्कि 9 से भी 270 कम लगाऊंगा, और इसका जो फ्रंट है वो साफ़ आ जाएगा, इसमें चुन्नत नहीं आएंगे फ्रेंड। ये मैं 270 कम लगा रहा हूँ 9 से वहाँ पे। तो फ्रेंड इसके जो शोल्डर है वो ज़्यादा डाउन नहीं है, स्ट्रेट है, ज़्यादा डाउन नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से सिर्फ 2.5 इंच पे रखने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि इसके शोल्डर डाउन नहीं है फ्रेंड। तो मैं इसको 2.5 इंच पे ऐसे रखूँगा इस तरीके से, और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेता हूँ इस तरीके से फ्रेंड, चेक कर लें। तो फ्रेंड अभी इसको यहाँ से भी मैं 9 से 270 कम रखूँगा, जो मैंने ऊपर से रखा हुआ है इस तरीके से। तो फ्रेंड इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसका जो भी चेस्ट है थोड़ा बड़ा हुआ है, तो हम उस तरीके से आपको समझाएंगे। अभी फ्रेंड हम आ जाते हैं इसके घेरे पे, तो इसका घेरा 24 का है, मैं 12.5 पे निशान लगाने वाला हूँ इधर कुछ इस तरीके से। फ्रेंड इसकी जो आस्तीन है हमने 9.5 की तैयार रखनी है, तो मैं 10 पे काटूँगा फ्रेंड कुछ इस तरीके से। 3 इंच हमने यहाँ से लिया हुआ है, और हम 6 इंच यहाँ से ले लेंगे इसे फ्रेंड। ये आपको तरीके आस्ता आस्ता समझ में आ जाएंगे, अगर समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप आसानी से इसको काट ले लिया करेंगे। तो ये चेक कर लो, मैं इसको यहाँ से लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 पे काटूँगा, जहाँ पे हम ये लगाएंगे तीरा, तो 10 पे काटूँगा, तो 9.5 पे मेरे को ये तैयार करनी है फ्रेंड। तो उस तरीके से मैं यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लूँगा, ये स्ट्रेट कर लूँगा फ्रेंड। फ्रेंड अभी इसकी जो चेस्ट आने वाली है तो 38 की है, तो 9.5 पे हमारे को चाहिए, 9.5 पे यहाँ पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे काटूँगा इसको, 9 पे काटूँगा फ्रेंड, 1 इंच कम करूँगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ये अंदर नहीं जाने वाला फ्रेंड, यहाँ से जाऊँगा मैं, ये आपको तरीका मैं चेक करवा लेता हूँ निशान लगा के, कि इस तरीके से जाऊँगा फ्रेंड मैं, यहाँ अंदर नहीं जाने वाला फ्रेंड,
क्योंकि ये जो हमारा कस्टमर है इसकी जो बॉडी का लैंग्वेज इस तरीके का है, तो हम उस तरीके से कटिंग करेंगे तो इसको ये आसानी से आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसको बोले देंगे फिर अंदर नहीं देने वाले, अंदर हम जब देंगे, जब इसकी जो चेस्ट छोटी होती है जब हम अंदर दे देते हैं शेप इस तरीके से, तो वो छोटे चेस्ट में देते हैं फ्रेंड। इसका चेस्ट जो है बड़ा है, तो हम उस हिसाब से काटेंगे और आपको मैं काट के चेक करवाता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड पहले यहाँ से हम ले लेते हैं आगे की गुड़ाई कुछ इस तरीके से। ये गुड़ाई ली हुई है मैंने, चेक कर लो इस तरीके से। अब इसका तीरा चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 9 से 270 कम आ रहा है फ्रेंड, ये सही आ रहा है। इसको इसका आर्मोल की जो गुड़ाई है वो भी चेक कर लेते हैं, 10 पे हमारे को चाहिए फ्रेंड, ये 10 पे आ रही है, थोड़ा कम है। मैं इसको थोड़ी छांटी ले लेता हूँ फ्रेंड, तो इस तरीके से छांटी ले लिया करें फ्रेंड, बाद में मुश्किल नहीं होगा ये। अभी ये मेरी 10 पे आ जाएगी, अभी मैं जाऊँगा इसके बैक साइड पे, तो बैक साइड पे यहाँ से मैं जो देने वाला हूँ फ्रेंड वो मैं देने वाला हूँ 4:15 पे। आपको ये चेक करवाता हूँ मैं, 4:15 पे दूंगा, तो ये आगे नहीं जाएगी पीछे भी नहीं जाएगी, 4:15 पे देने वाला हूँ। और ये मैं देने वाला हूँ 3 इंच पे फ्रेंड, ये मैं 3.5 पे देने वाला हूँ। इसके कंधे का हिसाब किताब होता है फ्रेंड, अगर इसके कंधे यहाँ से डाउन होते तो मैं इसको 4:15 पे लगा था, लेकिन इसके स्ट्रेट कंधे हैं तो मैं इसको 3.5 पे लगाऊंगा निशान, और इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड ये हम जो कटिंग कर रहे हैं इसकी जो ये स्टिचिंग हो जाएगी, सिलाई हो जाएगी, तो हम इसकी पिक्चर लगा लिया करेंगे वीडियो में, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी लुक कैसे आ रही है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि इसकी पिक्चर लगा लिया करेंगे। तो अभी मैं सिलाई का मार्जिन देने वाला हूँ फ्रेंड, अभी 3 पेपर तो 9.25 के निशान लगाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसको यहाँ से मिलाते हुए ऐसे मैं इसको काट दूंगा फ्रेंड। और फ्रेंड ये यहाँ से मैंने 2.5 पे लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं लूँगा तकरीबन 3 इंच पे निशान लगाऊंगा, जब जाके मेरी ये सेटिंग होगी तो मैं यहाँ पर भी निशान लगाता हूँ। तो फ्रेंड अभी काट के आपको चेक करवाता हूँ। फ्रेंड हर कस्टमर की जो कटिंग होती है अलग अलग होती है, तो उस तरीके से आप काटेंगे तो आपके कस्टमर को परेशानी नहीं होगी पहनने में, और उसको आसानी से कट आ जाएगा सूप। और इसको ऐसे चेक कर लिया करें फ्रेंड, ये यहाँ पे थोड़ा हल्का सा कट लगा के फिर काट लिया करें, तो आपको परेशानी नहीं होगी और एक ही राउंड में कट जाएगा। मैं उस तरीका आपको बताऊँगा अभी, इस तरीके से काट लिया करें तो कैसी शेप आती है इसकी। फ्रेंड अभी ये इसकी शेप चेक करते हैं, फ्रेंड थोड़ा यहाँ से बढ़ रहा है, तो मैं इसको ओके करके आपको चेक करवाता हूँ। ये बाद में भी हो सकता है फ्रेंड, लेकिन आपको चेक करवाने के लिए मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, और इसको आपको चेक करवाता हूँ कि इसके लुक कैसे आ रही है फ्रेंड। फ्रेंड इसकी अभी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सिलाई का मार्जिन मैंने ऊपर रखा हुआ है, और इसीलिए कि आप चेक कर लेते हैं, 18 का तीरा है हमारा, ये 18 का ये सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये 18 का तीरा तैयार हो जाएगा फ्रेंड। और ये भी चेक कर ले फ्रेंड, मैं हर वीडियो में बताता हूँ इसको हमने नहीं छाटना, जब आला छाटेंगे हम इसको नहीं छाटेंगे, इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम यहाँ से छाटेंगे, यहाँ से छाटेंगे, गोलाई देंगे अच्छी, और इसकी बैंड लगा लेंगे फ्रेंड। तो इसका अब हम आर्मोर की गोलाई भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये 10 पे बिल्कुल ओके आ गई है, ये तरीका आप इस्तेमाल कर लिया करें तो आपको जितनी आस्तीन काटनी होगी उसका अंदाज़ा लग जाएगा। 10 पे आ रही है तो सिलाई लग के ये 9:30 पे इसकी आस्तीन तैयार हो जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड ये आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना फ्रेंड, सब्सक्राइब करना तो वैसे भी लाजमी होता है, सब्सक्राइब के बगैर आप हमारे साथ नहीं चल सकते, सब्सक्राइब करोगे तो हम जुड़ जाएंगे और आपको आसान आसान तरीके मैं बताता रहूँगा फ्रेंड। तो इसके साथ इजाज़त देना, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।